क्या किसी के लिए किसी का ऑब्सेशन कितना खतरनाक हो सकता है? क्या किसी को कैद करके हासिल किया जा सकता है? तो आज हम ऐसे ही एक आदमी के बारे में जानने वाले हैं, जो कि एक लड़की के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था कि उसने सारी हदें पार कर दी थी। तो क्या वो लड़की आजाद हो पाएगी? ये हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। दोस्तों, मूवी का नाम है कैप्टिविटी। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक आदमी से, जिसको कैद करके बहुत ही टॉर्चर किया गया था और उसके फेस पर भी बैंडेज लगा हुआ था। वहाँ पर एक किडनैपर आता है और उस आदमी के मुंह में एक पाइप डालकर एक लिक्विड को उसके मुंह में डाल देता है, जिसके बाद उस आदमी के अंदर से खून आने लगता है। फिर किडनैपर उस आदमी को एक कुल्हाड़ी से काट डालता है और वो आदमी तड़प तड़प कर मारा जाता है। सीन यहीं पर कट होता है और अब कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क की एक फैशन मॉडल जेनिवर की तरफ से, जो कि वहाँ की टॉप सुपर मॉडल थी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक अननोन पर्सन जेनिफर को स्टॉक कर रहा था, लेकिन जेनिफर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर अगले दिन जेनिफर को एक इवेंट के लिए एक क्लब में जाना पड़ता है। जेनिफर अपने पेट सूजी को खाना खिलाती है और उसके बाद सूजी को अपने साथ में लेकर अपने काम के लिए निकल जाती है। क्लब में वही अननोन पर्सन जेनिफर के ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिसके बाद जेनिफर बेहोश हो जाती है। जेनिफर को जब होश आता है तो वो एक अनजान रूम में बंद थी और किसी और के बेड में सो रही थी, जो देखकर जेनिफर भी काफी ज्यादा घबरा गई थी। जेनिफर वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। और रूम के अंदर जेनिफर की अपकमिंग मूवी डेयर का पोस्टर भी लगा हुआ था। उसके कपड़े, मेकअप, स्किन केयर, शूज सब कुछ उसी रूम में था। तभी दीवार से एक ड्रॉ निकल कर आता है, जिसके अंदर जेनिफर का विटामिन जूस था, जो कि जेनिफर हर दिन पिया करती थी। और ऐसा लग रहा था जैसे कि किडनैपर जेनिफर की हर बात को जानता हो और जेनिफर उस ड्रिंक को नहीं पीती है। उसी टाइम किडनैपर रूम में स्लीपिंग गैस छोड़ देता है, जिस वजह से जेनिफर बेहोश हो जाती है। जेनिफर को जब होश आता है तो वो एक अलग ही रूम में एक बेड पर बंधी हुई थी। तभी किडनैपर जेनिफर को उसके पहले विक्टिम का एक टॉर्चर वीडियो दिखाता है, जिसमें किलर ने उस लड़की के ऊपर एसिड का शॉवर करवा दिया था और वो लड़की वही एसिड से जलकर तड़प तड़प कर मारी गई थी। इसे देखकर जेनिफर भी बहुत ज्यादा डर जाती है और किडनैपर से उसको छोड़ देने की रिक्वेस्ट करने लगती है। लेकिन किडनैपर जेनिफर के ऊपर एक येलो लिक्विड का शॉवर कराता है, जिसके बाद जेनिफर बेहोश हो जाती है। जेनिफर को जब होश आता है तो उसके फेस पर बैंडेज लगा हुआ था और बैंडेज को हटाने पर उसके पूरे फेस पर एक फेक स्कार लगा हुआ था, मतलब कि किडनैपर जेनिफर को मेंटली भी टॉर्चर कर रहा था। उसी टाइम फिर से डोर खुलता है, जिसके अंदर जेनिफर की एक मैगजीन और एक अलमारी की एक की थी। जेनिफर उस अलमारी को खोलती है और उस अलमारी के अंदर एक ड्रेस थी। किडनैपर ये चाहता था कि जेनिफर उस ड्रेस को पहन ले, लेकिन जेनिफर ड्रेस को फाड़ देती है। फिर किडनैपर रूम में तेज साउंड चलाता है और डरकर जेनिफर बेड के नीचे छुप जाती है, जहाँ पर उसे एक नेल शार्पनर मिलता है और उसे अपने पास में रख ले। फिर रात को जेनिफर उसी नेल शार्पनर से किसी का वेंट खुलती है और उसके अंदर जाकर वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। उसके अंदर उसको किसी लड़की के नाखून भी मिलते हैं, मतलब कि किसी और लड़की ने पहले भी इसी तरह भागने की कोशिश की। किडनैपर को पता चल जाता है कि जेनिफर भागने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए वो ऐसे वेंट को काट कर जेनिफर को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता। फिर कुछ देर के बाद जेनिफर को जब होश आता है तो वो एक टॉर्चर चेयर पर बंधी हुई थी। किडनैपर उसके विक्टिम के कुछ बॉडी के पार्ट्स को ब्लेंड करके एक पाइप की मदद से जेनिफर को जबरदस्ती खिला देता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से जेनिफर भी बेहोश हो जाती है। किडनैपर जेनिफर को उसी रूम में बंद करके उसको मॉनिटर से ऑब्जर्व कर रहा था और जेनिफर को जब होश आता है तो उसे रूम के पास में एक लाइट दिखाई देती है। दीवार के पास जाने पर उसे मालूम पड़ता है कि वहाँ पर कोई लड़का कैद है। दोनों ग्लास पर लिखकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वो लड़का अपना नाम उसे गैरी बताता है। गैरी से जेनिफर को पता चलता है कि उसको भी किडनैपर ने कैद करके रखा हुआ है और दोनों एक दूसरे से बातें भी करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कैमरा से किडनैपर उन दोनों पर नजर रखे हुए था। फिर रात को नींद से जागकर जेनिफर ये नोटिस करती है कि किडनैपर गैरी को कुछ इंजेक्ट कर रहा है और उसी टाइम जेनिफर के रूम का टीवी ऑन हो जाता है, जहाँ पर जेनिफर का एक इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू में जेनिफर अपने अंधेरे के डर के बारे में बता रही थी। तभी फिर से ड्रॉर खुलता है और ड्रॉर में सैंड और मैच बॉक्स था, लेकिन जेनिफर उन चीजों को ले पाती उससे पहले किडनैपर जेनिफर को बेहोश कर देता है। जेनिफर को जब होश आता है तो वो एक ग्लास बॉक्स में बंद थी, जहाँ पर सैंड भरा हुआ था और अगर सही टाइम पर जेनिफर वहाँ से नहीं निकली तो सैंड में ही दफन होकर मारी जाएगी। गैरी जेनिफर को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, तभी उसके सामने एक कार्ड आता है जिसमें लिखा हुआ था, इज शी रियली वर्थ फॉर इट। फिर गैरी एक मेटल रोड से ग्लास को तोड़ने लगता है, जिससे जेनिफर बाहर निकल पाती है। दोनों कार से भागने के लिए गैरेज की तरफ जाते हैं और रास्ते के रूम में उनको ब्रूटल तरीके से मारे गए लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती है। फिर किसी तरह दोनों कार तक आ जाते हैं, लेकिन किडनैपर कार में स्लीपिंग गैस छोड़ देता है और उस वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं।
जेनिफर को जब होश आता है तो जेनिफर टॉर्चर चेयर पर बंधी हुई थी और उसका हाथ एक गन के ट्रिगर पर था और वो गन जेनिफर की डॉग सूजी पर पॉइंट की हुई थी। उसे पास में से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, या तो खुद को बचाओ या फिर सूजी को। जेनिफर सूजी को मानना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरी में उसे सूजी को मानना पड़ता है। जेनिफर की जान बच जाती है लेकिन वो सूजी के लिए बहुत ज्यादा रोती है। अब उसी टाइम जेनिफर को सूजी एक ग्लास बॉक्स के अंदर दिखाई देती है लेकिन वहाँ पर सूजी नहीं थी। किडनैपर जेनिफर के साथ में मजाक कर रहा था और जेनिफर फिर से अपने रूम में आ जाती है। कुछ ही देर में जेनिफर और गैरी के रूम के बीच की दीवार हट जाती है लेकिन दीवार जल्दी बंद हो जाती है और दीवार के बंद होने पर गैरी जेनिफर के पास में आ जाता है। जेनिफर गैरी से इसका कारण पूछती है और तब गैरी एक अजीब सा जवाब देता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि जेनिफर असली है या नहीं। थोड़ी देर के बाद में जेनिफर के पास में एक की आती है और उस की से जेनिफर चौथी अलमारी को खुलती है जिसमें एक ब्लैक ड्रेस थी। किडनैपर के डर से जेनिफर उस ड्रेस को पहन लेती है और उसके बाद जेनिफर और गैरी के रूम के बीच की दीवार हट जाती है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। उस टाइम किडनैपर जेनिफर के रूम के टीवी पर उसके एक विक्टिम का वीडियो प्ले करता है जहाँ पर किडनैपर एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था। गुस्से में गैरी रूम के कैमरास को तोड़ने लगता है और उसी टाइम सभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और किडनैपर वहाँ पर आकर गैरी को अपने साथ में ले जाता है। उसी टाइम जेनिफर के रूम का टीवी ऑन हो जाता है जहाँ पर किडनैपर ने गैरी पर गन पॉइंट की हुई थी। जेनिफर किडनैपर से रिक्वेस्ट करती है कि वो गैरी को न मारे और तब किडनैपर जेनिफर के पास आकर उसको गैरी के पास एक चेयर में बांध देता है। किडनैपर दोनों को एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर एक माँ अपने बेटे को सेक्सुअली अब्यूज करने के बाद में उसको सॉरी बोल रही थी लेकिन वो बेटा अपनी माँ को चाकू से मारकर उसकी फोटो खींचता है। फिर उसके बाद किडनैपर एक पिलर से जेनिफर के दांत तोड़ने वाला था लेकिन जेनिफर के लिए गैरी किडनैपर को उसे टॉर्चर करने को कहता है। जेनिफर के बदले गैरी का एक दांत उखाड़ देता है और डर के मारे जेनिफर गैरी की तरफ देखती भी नहीं है। किडनैपर फिर दोनों को उनके रूम में बंद करके चला जाता है। जेनिफर को गैरी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था और उसी रात दोनों एक दूसरे के करीब भी आते हैं और दोनों इंटीमेट भी होते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो किडनैपर अभी भी उनकी हरकतों पर नजर रखे हुए हैं लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं करता है। फिर किडनैपर बेसमेंट से ऊपर घर की तरफ जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किडनैपर की ड्रिंक से जेनिफर सो गई थी। तब गैरी ग्लास के पीछे का सीक्रेट डोर खोलकर ऊपर के रूम तक आता है और वहाँ पर वो उसी माँ बेटे के वीडियो को देखने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बच्चा गैरी है और वो किडनैपर उसका भाई बेन है। दोनों ही भाई अपने साथ में हुए एब्यूज का बदला दूसरी औरतों से ले रहे थे। बेन जेनिफर को भी खत्म करना चाहता था लेकिन गैरी को अब जेनिफर से प्यार हो चुका था। इस बात से बेन को गैरी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गैरी को प्लान के हिसाब से चलने की धमकी देता है। फिर बातों ही बातों में दोनों के बीच में झगड़ा होता है और गैरी अपने भाई बेन पर चाकू से हमला करता है। उसके बाद बेन की बॉडी को वो बाथरूम में छुपा देता है। गैरी के पास में एक एल्बम थी जहाँ पर बेन के विक्टिम्स की फोटोज थी। उसी टाइम डोर पर किसी के नॉक करने पर गैरी उस एल्बम को कैबिनेट में छुपा देता है लेकिन कैबिनेट का डोर बंद नहीं हुआ था। गैरी जाकर डोर खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर डेविड और एंडी खड़े हुए हैं जो कि गैरी से बेन के बारे में पूछताछ कर रहे थे। दोनों पुलिस ऑफिसर जेनी को ढूंढ रहे थे और गैरी उनको बताता है कि उसे बेन के काम के बारे में कुछ नहीं पता है। फिर भी पुलिस ऑफिसर मैच देखने के लिए गैरी के घर रुक जाते हैं लेकिन मैच की जगह टीवी में जेनिफर के रूम का वीडियो प्ले हो रहा था। एंडी और डेविड कुछ समझ पाते उससे पहले गैरी उन दोनों को गोली मार देता है। गैरी फिर जेनिफर के पास जाकर कहता है कि उसने किडनैपर को मार दिया है तो अब दोनों वहां से भाग सकते हैं। पुलिस की डेड बॉडी को जेनिफर किडनैपर समझ लेती है और जेनिफर पुलिस को कॉल करना चाहती थी लेकिन गैरी जेनिफर को कॉल करने नहीं देता है। उसके मुताबिक उनको पहले उनके इंटीमेट वीडियोस डिलीट करना होंगे। गैरी बेसमेंट में जाकर सभी फोन लाइंस को काट देता है तो इसलिए जेनिफर पुलिस को कॉल नहीं कर पाती है। हम देखते हैं कि डेविड अभी मरा नहीं था और मदद मांगने के लिए जेनिफर के पास में आता है। जेनिफर डेविड को किडनैपर समझकर उसको बेसबॉल बैट से जान से मार डालती है। फिर गैरी वहां पर आकर जेनिफर को एक जगह बैठाकर उसको कहता है कि वो एविडेंस कलेक्ट करने जा रहा है। तब जेनिफर उसी कैबिनेट में उन एल्बम्स को देखती है जहां पर उसे गैरी बेन और विक्टिम के फोटोज मिलते हैं जिसे देखने के बाद में वो समझ जाती है कि गैरी भी किडनैपर के साथ में मिला हुआ है और खुद भी एक किडनैपर है। अचानक बेन जेनिफर पर हमला करता है और उसका गला घोटने लगता है, मतलब कि साफ था कि बेन अभी तक मरा नहीं था। जेनिफर उसे चाकू को बेन के सीने में फिर से घुसा देती है जिससे कि बेन मारा जाता है। तभी डेविड के वॉकी टॉकी से आवाज आती है और तब वो समझ जाती है कि ये लोग पुलिस वाले थे लेकिन जेनिफर वॉकी टॉकी से किसी को इन्फॉर्म कर पाती। उससे पहले ही गैरी वहां पर आ जाता है। गैरी जेनिफर को उसे दूर जाने नहीं देना चाहता था
वो जेनिफर भी गैरी के सामने ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वो गैरी के साथ में हो और वो गैरी से प्यार करती हो। लेकिन गैरी का ध्यान भटकते ही जेनिफर गैरी की आंखों में पेपर स्प्रे करके बेसमेंट में भाग जाती है। घर के सभी वायर्स को काटकर जेनिफर सिक्योरिटी सिस्टम को खराब कर देती है और उसी टाइम गैरी जेनिफर के पास में आता है। तब जेनिफर गैरी पर गन पॉइंट करती है लेकिन उसको गन चलाना नहीं आती थी। तब गैरी जेनिफर को बेड पर गिराकर उसको गन यूज करना सिखाता है और अचानक से जेनिफर गैरी के प्राइवेट पार्ट पर किक करके गैरी से गन छीनकर उसको गोली से मारकर उसकी जान ले लेती है। अब जेनिफर अपने घर की तरफ निकलती है और रास्ते में हम जेनिफर की फिल्म डेयर का पोस्टर देखते हैं और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि बचपन में बेन और गैरी की माँ उनके साथ में सेक्सुअल अब्यूज किया करती थी, जिसकी वजह से दोनों मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और गैरी ने तो अपनी माँ को ही जान से मार दिया था। अपनी माँ के अब्यूज का बदला दोनों बड़े होकर भी दूसरी औरतों को टॉर्चर करके और उनको मारकर लिया करते थे और इसी तरह उनके जाल में जेनिफर फंसी। लेकिन जेनिफर से गैरी को प्यार हो गया। वो बहुत पहले से ही जेनिफर को प्यार करता था और वो उसे स्टॉक भी करता था। जब जेनिफर पहली बार गैरी के सामने थी तब गैरी ने जेनिफर से कहा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वो असली है या नहीं। जेनिफर के लिए वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था कि उसने प्लान को फॉलो न करके अपने भाई बेन को मार दिया। लेकिन मूवी के आखिर में जेनिफर को सभी बातें पता चल गई और उसने गैरी को जान से मार दिया। गैरी उसको प्यार जरूर करता था लेकिन अगर जेनिफर गैरी के साथ में रहती तो कभी भी आजाद नहीं हो पाती। तो दोस्तों, आपको इस मूवी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी ही आपके लिए और भी इंटरेस्ट